हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 151 फुट लंबी पंचरंगी ध्वजा के साथ सांडेराव से पैदल यात्रा संघ कवराड़ा बाबा रामदेव रवाना हुआ। सांडेराव में विश्व शांति व आपसी सद्भावना की मंगलमय कामना के साथ आपसी भाईचारा व खुशहाली की कामना को लेकर स्थानीय नगर से जालौर जिले के कवराड़ा गांव स्थित बाबा रामदेव की 11वीं पैदल यात्रा संघ बुधवार को गाजे बाजों के साथ जयकारे लगाते हुए रवाना हुए। पैदल यात्रा को लेकर ग्रामीणों में उत्साह का माहौल नजर आया। ग्रामवासियों द्वारा श्रीफल के साथ कुमकुम का तिलक लगाकर माला पहनाकर पैदल यात्रियों का स्वागत कर रवाना किया। हनुमान नवयुवक मंडल के बैनर तले सैकड़ों श्रद्धालु गुरुवार सुबह हनुमान चौक एकत्रित हुए, जहां पवन पुत्र हनुमान जी व रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति बप्पा की विधिवत पूजा अर्चना के बाद पैदल यात्री 151 फुट लंबी पंचरंगी ध्वजा के साथ नाचते गाते झूमते हुए महिलाएं व युवा युवतियां बाबा के जयकारे लगाते मंगलमय गीतों के साथ यह पैदल यात्रा गांव के मुख्य मार्ग से होते हुए बस स्टैंड स्थित बाबा रामदेव मंदिर पहुंचे, जहां मारवाड़ गोड़वा जन कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष जयदेव सिंह राणावत द्वारा हरी झंडी देकर संघ को रवाना किया गया। सांडेराव से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।